हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मन्नू क्रिएशंस। आज की वीडियो में हम आपको ब्लाउज में बैक साइड में डिजाइन करना सिखाएंगे। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बैक पार्ट का हम कटिंग करके रखे हैं और ये मेन फैब्रिक है, अस्तर पे हम कट करेंगे। गला का चौड़ाई रखेंगे 2 इंच। इधर से डीप लेंगे, आप अपने पसंद के हिसाब से डीप रख लीजिए। हम यहाँ पे 10 इंच पे रख रहे हैं और यहां से गोल मिलाएंगे। बाहर से इसका 1.5 इंच और निशान लगा लिए हैं और इसको मिला लेंगे। यहाँ 2 पॉइंट इधर तिरछा इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से 1 इंच हम नीचे यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको यहाँ सीधा कर लेंगे और सभी लाइन को मिला लेंगे। इस तरह से देखिए निशान लगा लिए हैं, अब यहाँ से कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से कट लगा लिए हैं, अभी इसको हटाएंगे नहीं, इसको साइड में रख लेंगे और इस मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रख के गला पे सिलाई करेंगे। इस तरह से देखिए गला के पास में पिन लगा लिए हैं और अब सिलाई करेंगे। तो यहां से इसके किनारे किनारे हम सिलाई करेंगे और सिलाई करके इसको पलट लेंगे। सभी जगह पूरे गोलाई में कट लगा लिए हैं। कट बस सिलाई के अंदर ही रहेगा, सिलाई से बाहर कटना नहीं चाहिए। और यहाँ इस कॉर्नर में भी कट लगा लिए हैं और ये जो बाहर साइड में निकला हुआ है कॉर्नर, यहाँ पर भी कट लगाएंगे। बस ये सिलाई के थोड़ा सा इधर ही रहेगा। अब सभी को पलट लेंगे। से पलट लिए हैं, पलट के इस पे आयरन लगा लीजिए और फिर इसके किनारे साइड में कच्चा सिलाई चारों तरफ से लगा लेना है। से कच्चा सिलाई लगा करके और बाहर से जो कपड़ा निकला हुआ था उसको बराबर से कट कर लिए हैं। अब यहाँ पर टक्स लगाएंगे
और टक्स लगा के नीचे साइड में पट्टी लगा के सिलाई कर लेंगे। करके और तुरपाई कर लेंगे। गला में जो ये कट करके रखे थे इसको खोल लेंगे और पेपर में निशान लगाएंगे। तरह से निशान लगा दिए हैं और इसको भी साइड रखेंगे। और ये देखिए पट्टी लिए हैं, ये 2 इंच चौड़ा पट्टी है और ये एक अस्तर का लिए हैं। ये दोनों को दोनों साइड से सिलाई कर लेंगे। इसके बाद इसको पलट लेंगे और पलटने के बाद इसको प्रेस कर लेंगे। देखिए यहाँ से 2.5 इंच यहाँ पे निशान लगाएंगे और 2.5 इंच करके कट कर लेंगे। अब देखिए ये चौड़ा मूर्ति लिए हैं, इसका मुंह देखिए चौड़ा है। अब इसको इसमें डाल लेंगे, इसको पतला कर लेंगे यहाँ पे। और इसमें डालकर निकालेंगे। इस तरह से बना लेंगे और सभी को इसी तरह से बनाएंगे। ये और भी पीस बना लेंगे इस तरह से ढेर सारा। ये देखिए इतना सारा बना लिए हैं। अब पेपर लेंगे और यहाँ पर सिलाई करेंगे। ये देखिए अस्तर वाला जो साइड है वो नीचे साइड में रखेंगे और इस तरह से रखकर और सिलाई करते जाएंगे। से देखिए एक साइड से लगा लिए हैं। अब दूसरा साइड में भी यहाँ पे सेट करते हुए यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। अब इसको इस पार्ट को लेंगे और यहाँ पर ऐसे रख के सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको पिन लगा के सिक्योर कर लिए हैं। और यहाँ पर ये वाला सिलाई थोड़ा सा खोल देंगे,
यहाँ पर जब सिलाई करेंगे पट्टी लगाएंगे तो इसके साथ ही इसको सिल देंगे। यहाँ पर देखिए सिलाई को खोल दिए, इसको सीधा कर दिया है। अभी यहाँ पर इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे इसको कट करेंगे। ये देखिए पतला सा कट कर लिए हैं। यहाँ पे पाइपिंग डालेंगे और पाइपिंग के लिए ये तिरछी पट्टी हम कट कर लिए हैं। पहले इसको जोड़ लेंगे, इसके बाद इसमें लगाएंगे और इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। ये देखिए ये दोनों इस तरह से रहेगा। इसको ऐसे पलट के रखेंगे और यहाँ पे सिलाई करके इसको ज्वाइंट करेंगे। इसी तरीके से सभी को ज्वाइंट करना है। देखिए इस तरह से पट्टी को ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसमें उल्टा साइड में इस तरह से लगाएंगे, इधर से लगाएंगे और सीधी तरफ पलट देंगे। अब इस पेपर को निकाल लेंगे। पेपर निकाल दिए हैं और इधर तुरपाई भी कर लिए हैं और इसको सेट कर लेंगे बराबर से। इस तरीके से ये डिजाइन बन गया है। वीडियो अगर हेल्पफुल है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।